परसवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की ग्रहण की सदस्यता। आज दिनांक 29 अगस्त को परसवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के निवास स्थान पहुंचकर मधु भगत पर निष्क्रियता और स्वयं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। माननीय आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए जाने के संबंध में प्रश्न किया। उसके पश्चात श्री गणेश भलावी पूर्व सरपंच खलौंडी, श्री ललित थेंगाए यूथ कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, श्री मिलाप सिंह कांग्रेस कार्यकर्ता को भाजपा का गमछा पहनाकर उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। बीएनएन टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। तो मेरा पार्टी छोड़ने का खास कारण यह रहा कि मैं हर समय जो बड़े कार्यकर्ता उन लोगों से परेशान था। मैं चूंकि एक छोटे समाज से हूँ, नई समाज से, बड़े पदों में था, बट कहानी मेरी ये चलती रही कि कभी मुझे निगलेक्ट कर किया गया कि मंडलेकर के साथ रहा, मंडलेकर का आदमी है, कभी बोले विशाल हुसैन का आदमी है। इस टाइप से मैं हर समय फरेब की नज़र से ही चलते रहा। अभी कुछ दिन पहले नए मंडल सेक्टर इनके गठन हुए, उसमें मुझे नहीं पूछा गया, जबकि मेरे साथ ऑलरेडी बहुत से लड़के संगठन में जुड़े हुए थे। नई नई पार्टी, नई नई बॉडी बनाया गया, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं थी। बट मेरे को जब ऐसा लगने लगा कि यार हमारी वैल्यू ख़त्म होगी, तो मैं घर में बैठ के एक साल से किसानी का कार्य करने लगा था। पर आज बीजेपी का जो वर्चस्व है, जो नई नई चीज़ लाया है, और हमारे खास करके परसवाड़ा विधायक कावरे जी ने जो काम किया परसवाड़ा विधानसभा में एक साल में, उससे प्रेरित होकर के मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इनके साइड में रह करके अगर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा तो बहुत अच्छा। धन्यवाद।